साला 2 घंटे हो गए अभी तक दोनों नहीं आए। और बियर मंगाई कि नहीं मंगाए? भैया बियर तो मंगवा लिए। गुड बॉय, सही जा रहे हो। ये देखो बीएम बार बार फोन कर रहे, उठा लू? भैया हमारी नई नई जॉब है, उठा लीजिए ना। चलो ठीक है, तुम बोलते तो उठा लेता हूँ। सर विकास। हाँ सर। कहाँ? सर वो रश्मि मैम है ना? रश्मि? अरे सर वो जिनका 2 साल पहले लॉस हो गया था। हाँ आपको याद आया? हाँ याद है आपको? हाँ सर कल ब्रांच में आए थे अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ में, और आपने बोला था ना सर कि काश कुछ दिन पहले मुझे ये लीड मिलती तो मैं ही क्लोज कर देता सर। शट अप, मैंने ऐसा कब बोला था? सर आपने अपने मुंह से नहीं बोला था, लेकिन आप तो जानते हैं कि मुझे चेहरा पढ़ना आता है। अच्छा तब तो तुम आज भी मेरा चेहरा पढ़े होगे। हाँ यस सर बिल्कुल पढ़ा। इंश्योरेंस नहीं हो तो ब्रांच मत आना। वैसे मैं भी उधर ही आ रहा हूं, 10-15 मिनट रुक, फिर देखो 2 लाख का इंश्योरेंस तो मैं यू निकलवा लूंगा। अरे लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। लेकिन किंतु परंतु को साइड रखो, 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। नहीं सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं रश्मि मैम के पास नहीं हूं। तो फिर कहां हो? सर वो रश्मि मैम का बॉयफ्रेंड है ना। बार बार ये बोलना जरूरी है? सर सॉरी सर, लेकिन वो रश्मि मैम का जो बॉयफ्रेंड है ना उसकी बहन के घर के बाहर खड़े हैं हम लोग। वाह बेटा तुम असली बैंकर हो, इतनी जल्दी तो कोरोना भी नहीं फैला, तुमने अपना जाल बिछा दिया। गुड। वैसे तुम बताए नहीं तुम हो कहां? सर बताए तो आपको। अरे बुद्धू जगह नहीं बताई ना। ऐसा करो तुम व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो, मैं वहीं आता हूं। हाँ सर, सर मैं लोकेशन भेजता हूँ। हेलो सर नेटवर्क इशू सर। लोकेशन चाहिए, व्हाट्सएप लोकेशन है। इसको क्या पता जो खड़े थे घर पे बैठ के चिल कर रहे। लगता है फोन कट हो गया। भैया पोटी आ रही थी। अरे तो पोटी लगी तो जा रहा अंदर, जोर से आई क्या? इतनी भी जोर से नहीं है। अबे तो बैठना इधर ही बैठ। अच्छा भैया वो इंश्योरेंस के लिए तो जाना पड़ेगा ना? अबे चिल मार, ब्रांच के बाहर रहो तो चिल मारने का, और ब्रांच के अंदर रहो तो मातम मनाने का, समझा? हाँ भैया। वैसे ये सब आप कैसे कर लेते हो? अबे पूछ मत यार, पहले मैं भी इंश्योरेंस बेचता था तो ना मेरी इज्जत घर में थी ना सोसाइटी में, और ऑफिस में चले जाओ तो ऑफिस बॉय भी कभी कभी बिजनेस अपडेट पूछ लिया करता था। यही तो भैया, ये लाइफ इंश्योरेंस में ना कोई लंगोट खोले खड़ा होता है, और हम लोग कितना मरवाएंगे भैया। अब ऐसा है ना बबलू, वीएम इंश्योरेंस के लिए जब उंगली करता है ना तो घंटा पता नहीं चलता है। देख रहे बीएम का मैसेज, उसको पता है हम जरूर कहीं बैठ के टाइम पास कर रहे हैं तभी उंगली कर रहा है। क्या उसको कैसे पता है? अबे बीएम के बम में हाथ भी घुसेड़ दोगे ना तो घंटा उसे नहीं पता चलना है, एक्सपीरियंस है बे। भैया लेकिन मुझे तो अपनी ओरिजिनलिटी बचानी है ना। अच्छा कसाई के पास मुर्गी कब तक अपनी गर्दन बचाएगी? गजब कहते बबलू तुम यार। अब बैंक में नौकरी लगा है, जॉब मिल गया है, तो जो अपना बम है ना कि बीएम के प्रति समर्पित कर दो, समझे? बीएम को बम समर्पित।
इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।